मध्य प्रदेश में सरकार का भविष्य तय करने वाले उपचुनाव के परिणाम की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे प्रदेश के प्रमुख सियासी दल बीजेपी और कांग्रेस अपने आप को मजबूत बताने में जुट गए हैं। खासतौर पर एग्जिट पोल के बाद इसको लेकर दोनों ही दलों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया है। एग्जिट पोल और आरोप प्रत्यारोप पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एमपी में किसके साथ जनता का जनादेश में मध्य प्रदेश का थीम सॉन्ग एमपी अजब है सबसे गजब है, ये तो आपने सुना होगा। गजब है, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं। लेकिन बाय इलेक्शन के चुनाव परिणाम आने के पहले एमपी स्ट्रॉन्ग भी नजर आ रहा है। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजों के बाद प्रदेश के दोनों प्रमुख सियासी दलों में स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित जनता के जनादेश वोटों की गिनती के पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग बताना शुरू कर दिया है। एक तरफ बीजेपी अपने आप को मजबूत बताने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा सीटों पर विजय श्री का डंका बजाने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस इस चुनाव को जनता वर्सेस बीजेपी करार देते हुए जनता द्वारा कांग्रेस को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात करती हुई नजर आ रही है। हाँ, वो 15 तारीख को भी शपथ ले रहे थे, फिर बीच में भी शपथ ले रहे थे। अब इस प्रकार के मन के लड्डू खाने से अगर उनको संतुष्टि है तो बिल्कुल रहनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मैं भाजपा के बूथ के कार्यकर्ता ने, हमारे मंडल जिले के पदाधिकारियों ने जो भूमिका निभाई है ये अत्यंत सराहनीय नहीं, उनको मैंने तो बधाई दी है कि इस प्रकार की मेहनत ये भाजपा का कार्यकर्ता ही कर सकता है, और उसी का परिणाम है कि इस चुनाव में हम अच्छे बहुमत के साथ इस उपचुनाव को जीत रहे हैं। ये बिके हुए लोगों को 5% तो नेगेटिविटी इस बात की थी कि ये बिके हुए हैं, इन्होंने अपनी आत्मा बेची है, इन्होंने अपने आप को लीलाम किया है। कोई कारण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी दावा करे कि हम जीतेंगे। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी से को चुनौती देता हूं, बताए कि कौन सी सीट वो जीत सकते हैं। एक सीट पे भी नहीं बोल सकते, सर्वे भी ये कहते हैं गोलमोल, वो एग्जैक्ट पोल जिसने भी बताया जीतती जीतेगी, कौन सी सीट जीतेगी। ऐसे में ये तो साफ है कि मतगणना के पहले दोनों सियासी दल अपने आप को कितना भी मजबूत बता लें, लेकिन 10 नवंबर को आने वाले स्ट्रॉन्ग रूम में बंद जनता के जनादेश ने दोनों की मुश्किलें बड़ा कर रखी है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जनता का जनादेश किसे स्ट्रॉन्ग करता है और किसे हार का सामना करना पड़ता है। अनादि टीवी के लिए भोपाल से अंकुर अघोरियो की रिपोर्ट।